कपिल शर्मा और अक्षय कुमार जब भी एक साथ नजर आते हैं तो हंसी के गुब्बारे तो फूटने ही लगते हैं। कपिल के शो द कपिल शर्मा शो में अक्षय कुमार साल में 3 से 4 बार तो नजर आ ही जाते हैं। अपनी हर फिल्म को प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार सबसे पहले कपिल के शो में ही आते हैं, लेकिन सामने आ रही खबरों को अब सुनकर ऐसा लगने लगा है कि कपिल शर्मा और अक्षय कुमार के बीच में दरार आ गई है। जी हाँ दोस्तों, दोनों की दोस्ती अब टूटने की कगार पर है। आपको बता दें कि इससे पहले कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच भी ऐसी ही तकरार देखने को मिली थी। हालांकि कपिल शर्मा हमेशा ही अक्षय कुमार को अपना बड़ा भाई मानते हैं और जब भी वो कपिल के शो में आते हैं तो उनके आदर सम्मान में वो उनके पैर तक भी छूते हैं। लेकिन अब लगता है कि ये भाई भाई की जोड़ी अब टूट चुकी है और इनकी दोस्ती का भी अब दी एंड हो चुका है। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या हुआ कि इस दोस्ती में दरार आ गई और आखिर किस वजह से अक्षय कुमार अपनी फिल्म बच्चन पांडे का प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा के शो में एंट्री नहीं करेंगे। 18 मार्च को अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे रिलीज होने को तैयार है। ऐसे में कपिल ने कैसे मजाक ने अक्षय कुमार और उनकी दोस्ती में दरार पैदा कर दी कि कपिल का एक मजाक उन पर काफी भारी पड़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ वक्त पहले अपनी फिल्म अतरंगी रे के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार सारा अली खान के साथ कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे। उस दौरान अक्षय ने कपिल के सवालों पर जवाब उठाते हुए कहा था कि किस तरह का सवाल है। कपिल ने कहा था कि ये सवाल तो अर्चना जी ने पूछा है। अक्षय की इस बात को सुनकर कपिल ने भी अक्षय का पीएम नरेंद्र मोदी वाला इंटरव्यू याद दिला दिया। ऐसे में कपिल ने अक्षय की चुटकी लेते हुए कहा कि वैसे आपने भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया था, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, मगर आपने उनसे सवाल पूछा था कि मेरे ड्राइवर का बच्चा पूछ रहा है कि आम चूस कर खाते हैं या फिर काट कर खाते हैं। आपको बता दें कि कपिल शर्मा के इस तरीके से बोलने से पहले अक्षय कुमार ने कपिल को कहा था कि उसे जब भी कोई सवाल पूछना होता है तब वो या तो अर्चना जी का नाम लगा देता है या फिर किसी बच्चे का नाम लगा देता है। वह कपिल शर्मा के इस मजाक से अक्षय कुमार काफी खफा हो बैठे हैं। उन्होंने मेकर से इस क्लिप को हटाने की भी बात कही थी, लेकिन अक्षय कुमार की क्लिप कपिल के शो से लीक हो गई और सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। ऐसे में अक्षय कुमार इस बात से काफी नाराज हैं, जिसके चलते वो अब शायद ही कपिल के शो अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे। वह खबरें तो ये भी बताती हैं कि शो से तो इस क्लिप को हटा दिया गया, लेकिन खुद कपिल शर्मा ने इस क्लिप को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर दिया। हालांकि कपिल ने भी अब इस वीडियो को वहां से हटा लिया है, लेकिन अब इस बात पर अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा की पूरी टीम से इस बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा है और वो इतने नाराज हो चुके हैं कि अपनी फिल्म बच्चन पांडे के प्रमोशन के लिए अब कपिल के शो में आना ही नहीं चाहते हैं। वेल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कपिल शर्मा और अक्षय कुमार के बीच इस दरार को देखने के बाद आपका क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि इन दोनों की ये दोस्ती अब टूट जाएगी या फिर आगे फिर मामला शांत हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।